कंजेस्टेड रहता है एकदम सटा, तीनों फ्लोर पर अवेलेबल है। और ये ना एसी वाला रूम, चलो लग ही नहीं रहा है कि तो हॉस्टल घर का। वाली फीलिंग। फैसिलिटीज की बात करूँ ना तो यहाँ पे आपको लाइक सब कुछ देखने को मिल जाए। हाँ यहाँ पे मैं लाइक 1 साल से हूँ, तो उसको एक माँ की कमी खलती है। हाँ 24 आवर लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ चपाटे खान जी। गाइस तो आप देख सकते हो अभी मैं कहाँ पे हूँ। तो बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट में बोलते रहते हैं, दीदी पीडब्ल्यू के निकट ना मुझे बेस्ट एंड अफोर्डेबल गर्ल्स हॉस्टल बताओ। तो आज हम आ चुके हैं मैट्रिक्स गर्ल्स हॉस्टल में, जो की पीडब्ल्यू के एकदम बगल में ही है। तो चलिए अंदर में पूरी डिटेल्स में आपको सारी चीजें दिखाती हूँ। और ये ना एसी वाला रूम है, देख सकते हो काफी ज्यादा स्पेसियस है। वैसे आप हमेशा हॉस्टल वाला रूम जो भी देखते हो ना काफी ज्यादा कंजेस्टेड रहता है, एकदम सटा सटा के लोग बेड लगवा देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब 3 बेड लगने के बाद भी आप देख सकते हो बीच बीच में स्पेस है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स की आदत रहती है ऐसे बीच में घूमते हुए रट्टा मारने की, पढ़ने की, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। वैसे यहाँ पे स्पेशल आपको लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हो, बट रूम में भी आप पढ़ाई कर सकते हो। और गाइस अभी हम आ चुके हैं ट्रिपल सीटेड वाले रूम में, देख सकते हो 3rd फ्लोर पे, एंड यहाँ पे आपको 3 बेड ऐसे मिल जाता है, पूरा खाली है। तो किसी को अगर चाहिए तो आप लोग आ सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम वगैरह सब कुछ मिल जाता है, और सेम आपको डबल रूम भी ऐसे ही देखने को मिल जाएगी। रैक वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे से टेबल वगैरह, जितने लोग रहोगे उतने आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सब सारी चीज़ें मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे ये हॉस्टल ही ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, तो सारी चीज़ें यहाँ की मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगी। और गाइज इस हॉस्टल में आपको ना स्पेशली एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा जगह मिल जाता है लाइब्रेरी का, जहाँ पे आप बैठ के आराम से सुकून से ना पढ़ाई कर सकते हो। वैसे आपको बहुत कम हॉस्टल में ये सब फैसिलिटीज दी जाती है, देख सकते हो चेयर एंड टेबल लंबे लंबे से यहाँ पे लगे हुए हैं, जहाँ पे आप बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, काफी बढ़िया है ये वाला आइडिया। यहाँ पे आप कभी भी अगर पढ़ना चाहे तो आके पढ़ सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स रहता है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, शांति से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पल्लवी कुमारी है, हम यहाँ 2 साल से पढ़ रहे हैं, इस बार मेरा नीट का एग्जाम है। और यहाँ पे है कि आप क्लास से आने के बाद या क्लास के आने से पहले आप कभी भी यहाँ 24 आवर लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं विथ प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। बाकी मजा आ रहा है पढ़ने में यहाँ पे? हाँ सब कुछ सही चल रहा है। तो बाकी हॉस्टल से कैसा है ये वाला हॉस्टल? बाकी हॉस्टल से सही है, यहाँ पे जितना सुने थे हॉस्टल ऐसा होता है वैसा होता है, वैसा कुछ नहीं है, घर के जैसा है। हाँ चलिए थैंक यू। और ये है इस हॉस्टल का ऑफिस, जहाँ पे आप आके इंक्वायरी कर सकते हो। हाँ तो मैम यहाँ पे क्या सब चीजें फैसिलिटीज में मिल जाएंगी? फैसिलिटीज में हमारे यहाँ 24 आवर सिक्योरिटी टाइट, और खाना में बिल्कुल घर जैसा खाना हम देते हैं, और लड़कियां बिल्कुल सेफ है यहाँ पर। हम आ चुके हैं अभी डबल सीटेड वाले रूम में, और आप रूम देख सकते हो काफी ज्यादा स्पेसियस, एंड सारे रूम में आपको नेचुरल लाइट अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। एंड इस रूम में गाइस आपको अटैच वॉशरूम भी देखने को मिल जाता है। अब मैं न्यू शिफ्ट हुई हूँ यहाँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा तो यहाँ का खाना लग रहा है मुझे, मतलब एकदम घर वाला खाना है। हॉस्टल लग ही नहीं रहा है कि हॉस्टल घर वाली फीलिंग आ रही है, एकदम घर वाली एकदम लग ही नहीं रही है कि हॉस्टल का खाना बहुत अच्छा खाना है, और फिर बहुत कंफर्टेबल है। तो ओवर एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकती हैं? हाँ यहाँ पे मैं लाइक 1 साल से हूँ, लाइक मेरा 11th यहाँ पे बहुत सही से गया, फिर यहाँ पे भी 12th में, तो लाइक मैनेजमेंट हो या फिर हॉस्टल का खाना हो, सब कुछ मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि घर का आपको, मतलब ऑब्वियसली याद तो आएगा बट एक घर जैसा तो लगेगा हॉस्टल में, जैसा होता है रोना आता है। और हॉस्टल में देखो तो आपको ना लाइक पूरा वाइट रहता है, लाइक यहाँ पे वैसा है नहीं, यहाँ पे थीम भी है, लाइक आपका ऐसा फील नहीं होगा कि लाइक हाँ बहुत हॉस्टल में है, तो आपका माइंड भी यहाँ पे लाइक घूमने वाला तो फ्रेश है ही, तो सब कुछ लाइक पढ़ने में भी बहुत शांत, खाना में भी, तो सब कुछ में सही है। हाँ तो फैसिलिटीज़ में यहाँ पे क्या सब चीज़ें मिल जाती हैं? यहाँ फैसिलिटीज़ में एसी, और आपको ये वाटर कूलर का पानी वो फिल्ट्रेट रहता है, और यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहता है यहाँ बिल्कुल, और यहाँ की वाईफाई भी अवेलेबल है, तीनों फ्लोर पर अवेलेबल है, और यहाँ बिल्कुल नेटवर्क इश्यूज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो फास्ट चलता है। हाँ यहाँ हमेशा हाई स्पीड रहता है, और हमेशा आप कभी भी पढ़ाई कर सकते हो इंटरनेट। और गाइस फैसिलिटीज की बात करूँ ना तो यहाँ पे आपको लाइक सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो एसी, वाटर कूलर, वाईफाई, वॉशिंग मशीन, सब कुछ। एंड हाँ एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो हमारी वार्डन मैम है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से बच्चों की ना केयर करती है, और जगह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर ऐसे किया जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। बस हॉस्टल का नाम आते ही सिक्योरिटी का ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि क्या कैसा होगा पता नहीं, मैम हमारी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज करती है। मैम हॉस्टल में आके ऐसे बच्चियों के साथ ना कोई इतनी अच्छे से केयर तो नहीं करते, तो आप कैसे करती हैं? घर से हॉस्टल आ रहे हैं तो उसको एक माँ की कमी खलती है ना,
तो बच्चे के साथ एक माँ का जगह हम पूरा करने का पूरा कोशिश करते हैं और इसलिए मेरा बच्चा 100% सेफ है। हाँ, माँ के छाया में भाई कौन सेफ नहीं रह सकता है, कोई अनसेफ हो ही नहीं सकता है। चलिए मैं बहुत अच्छा करती हूँ। गाइस, ये है हमारा मेनू जो कि आपको सातों दिन मिलने वाला है, तो थोड़ा सा आप इसे पॉज करके देख ले। और गाइस, अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बैंक रोड पटना आठला के एक नियर तारा हॉस्पिटल।